Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So directly start करते हैं आपके जो chapters है five heads of income उसमें से आपको कौन से chapters पढ़ने हैं उसके बारे में पहले हम discuss करेंगे. तो सबसे पहले आपको पढ़ना है income from salary. ये भी account जैसे ही paper pattern है 20 marks के questions आपको पूछे जाएंगे. अगर हम income from salary की बात करें तो income from salary में आपको तीन levels के question पढ़ने हैं. जो मैं तीन levels बोल रहा हूँ वो तीन levels के ऊपर आप concentrate करें because इसी में से paper में question आ सकता है. Number one, normal level जिसमें आपको 12 months का calculation दिया जाएगा. Basic salary 12 months, dearness allowance 12 months, फिर bonus, arrears of salary, advance salary, ये सब चीज़ें आपको दी जाएगी. दूसरा जो लेवल है वो है रिटायरमेंट का लेवल. कोई भी इंसान जब रिटायर होता है तब उसको रिटायरमेंट के बाद मिलती है ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट एक्सेट्रा, ऑल दी अलाउंसेस. सो सेकंड जो लेवल है उसके ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो अगर सैलरी के ऊपर दो क्वेश्चंस पूछे गए तो बेसिक लेवल के ऊपर और आपके रिटायरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. रिटायरमेंट वाला थोड़ा रिस्की है अटेम्प्ट करना बिकॉज उसमें 12 मंथ्स का कैलकुलेशन नहीं होता है, उसमें 9 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है. तो वहां पे आपको दिया जाएगा मिस्टर सो एंड सो रिटायर्ड ऑन 31st December. तो आपको अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट करना है. जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर है 2018-19 और आपका असेसमेंट ईयर है 2019-20. तो जो भी इंसान होगा वो 2018-19 में रिटायर्ड हो जाएगा. तो तीन लेवल्स के ऊपर आपको इसमें फोकस करना है. सैलरी के साथ अदर सोर्सेस भी पूछा जाएगा. अदर सोर्सेस के कुछ नॉर्मल पॉइंट्स 3 to 4 points आपको दिए जाएंगे. तो थ्री टू फोर पॉइंट्स में से एग्जेम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एग्जेम्पशन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया था एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10. अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप चेक करें अकॉर्डिंगली. उस बेस पे सारे आपके एग्जेम्पशन क्लियर हो जाएंगे. फिर डिडक्शंस की बात करें तो इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शंस आते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16. तो उसमें तीन डिडक्शंस आपको याद रखने हैं. नंबर वन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसके लिए आपको एक अमाउंट याद रखना है 40,000. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 होगा 16(1) के बेस पे. देन 16(2) के बेस पे आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है. लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है. उसके लिए तीन रूल्स है. एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ योर बेसिक सैलरी और नंबर थर्ड है मैक्सिमम लिमिट ₹5,000. बट रिमेंबर एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन विल बी गिवन ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. दिस विल नॉट बी गिवन टू प्राइवेट एम्प्लॉय. तो अगर आपके क्वेश्चन में प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई भी डिडक्शन नहीं आएगा. सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर जो कैलकुलेशन आप करोगे उसमें लेना है, नीचे डिडक्शन में उसको प्रेजेंट नहीं करना है. बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो ऊपर भी आपको लिखना है और नीचे जो प्रेजेंटेशन करोगे उसमें भी लिखना है. फिर लास्ट है प्रोफेशन टैक्स. ये तीनों डिडक्शंस आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी. तो यही था बेसिक्स. नंबर सेकेंड चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये थोड़ा चैप्टर आपको ध्यान देने वाला चैप्टर बिकॉज इसमें फॉर्मेटिंग और इसमें कुछ बेसिक चीजें वो ध्यान रखनी है. एक होता है एलओपी, एक होता है एसओपी. एलओपी इज लेट आउट प्रॉपर्टी, एसओपी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. एलओपी का मतलब होता है अगर हमने कहीं पे भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंटल बेसिस पे दिया होगा तो द रेंटल इनकम विच वी आर अर्निंग इज कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी. और अगर हम हमारी प्रॉपर्टी खुद ही यूज करते होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और एलओपी आपको दोनों पेपर में एक साथ पूछे जाएंगे हाउस वन और हाउस टू के बेस पे. आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है एक्चुअल रेंट अगर आपको नील दिया है, एक्चुअल रेंट का दूसरा नाम रेंट रिसीव्ड. अगर आपको एक्चुअल रेंट नील दिया है या रेंट रिसीव्ड नील दिया है इसका मतलब होता है वो एसओपी है. आई रिपीट अगेन, एक्चुअल रेंट अगर जीरो दिया है तो दैट इज एसओपी और एक्चुअल रेंट में अगर अमाउंट दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज एलओपी. तो एसओपी का फॉर्मेट काफी इजी है. जीएवी एनएवी एसओपी का नील होता है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का एक डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स अंडर सेक्शन 24. बट देर इज अ लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स एंड द लिमिट इज इफ लोन इज टेकन बिफोर 1st April 1999 देन द मैक्सिमम लिमिट इज 30,000 एंड इफ द लोन इज टेकन आफ्टर 1st April 1999 देन द मैक्सिमम लिमिट इज 2 lakhs. तो एसओपी में आपको यही याद रखना है लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स. अगर हम एलओपी की बात करें तो एलओपी काफी इजी है. एलओपी में सबसे पहले आपको जीएवी कैलकुलेट करना है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर वो आपका जीएवी बनेगा. फिर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, आपके जीएवी में से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड आपको माइनस करने. लेकिन म्यूनसिपल टैक्सेस पेड का एक रूल है, अगर म्यूनसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किए होंगे तो ही उसको डिडक्शन में अप्लाई किया जाएगा.
अगर म्युनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग होंगे या टेनेंट ने भरे होंगे तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो जीएवी में से जब हम म्युनिसिपल टैक्स पेड को माइनस करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा एनएवी, विच इज कॉल्ड एज नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, फिर आपको मिल जाएगा एलओपी का आंसर। तो यही था हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक्स। नेक्स्ट चैप्टर इज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं सभी वीडियोस का लिंक टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की अगर बात करें तो ये चैप्टर पेपर में 20 मार्क्स का आएगा। इस चैप्टर में दो लेवल के क्वेश्चंस है, व्हेनेवर यू हैव ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द सम। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको एक अलग फॉर्मेट से सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रोफेशनल्स का क्वेश्चन दिया है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, तो उनके लिए एक अलग फॉर्मेट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स फॉर्मेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले शुरू करना है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है। फिर उसमें आपको ऐड करना है ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, पर्सनल खर्चे जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू प्रोपराइटर, फिर डोमेस्टिक चार्जेस, जो घर का खर्चा है, वो सारी चीज़ों को आपको एडबैक करना है। ये आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर लेस करना है डिसअलाउड इनकम्स। डिसअलाउड इनकम्स आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। डिसअलाउड इनकम्स में आपको ध्यान रखना है जो भी पॉइंट्स अदर सोर्सेस के होंगे, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, इंटरेस्ट ऑन एफडीए, सारी चीज़ों को आपको माइनस करना है। अदर सोर्स फिर से एक बार सॉल्व करना है, बट पहले आपको बिजनेस प्रोफेशन में ये सब चीजें माइनस करनी। फिर आएगा एड ऑल अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम, वो डैश होता है, और लेस ऑल अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस जिसमें डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स होता है। यही था बेसिक्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कैपिटल गेन। अभी आपको पेपर से रिलेटेड तीन चैप्टर पहले ध्यान से पढ़ने हैं। नंबर वन इज सैलरी, नंबर सेकेंड इज हाउस प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड इज बिजनेस प्रोफेशन। इन तीनों में आपको अदर सोर्स भी पढ़ना है। अगर आप तीनों में अदर सोर्स पढ़ लोगे तो तीनों में भी अदर सोर्स आपके पेपर में आएगा, मतलब तीन चैप्टर भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन दीज आर द ऑप्शनल्स, तो ऑप्शनल्स भी आप पढ़ के जा सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, वन इज एलटीसीजी एंड अनदर इज एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वही पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो आपने जो भी प्रॉपर्टी बेची है उसका आपको सेलिंग प्राइस लेना है, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे किए हैं ट्रांसफर से रिलेटेड। ट्रांसफर का यहाँ मतलब है सेल, तो जैसे ब्रोकरेज है, रजिस्ट्रेशन फीस है, स्टैम्प ड्यूटीज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद आएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों चीजें फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना छोटा सा चैप्टर है, ये आएगा 10 मार्क्स के लिए पेपर में। नेक्स्ट इज सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, तो वो भी आप प्रॉपरली देख सकते हैं। ये मैंने एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाया है, हम अगर इसमें सभी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, और आपको एग्जाम से रिलेटेड जो एक शॉर्ट में वीडियो चाहिए उस बेस पर मैंने बनाया है। इसके साथ मैं आप आगे के वीडियोज का भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। सेक्शन 5 है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तीन रूल अगर आप याद रखोगे पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। नंबर वन, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सभी चीजों में टैक्सेबल, मतलब आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर। अगर आपको इनकम इंडिया में मिला सब में लिखना है, अगर आपको इनकम फॉरेन में मिला और कंट्रोलिंग इंडिया से रहा तो फर्स्ट दो में लिखना है, आरओआर, आरएनओआर, एनआर में नहीं आएगा, और अगर फॉरेन इनकम है तो सिर्फ एक में लिखना है। दिस इज द बेसिक्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इसके ऊपर कंडीशंस का ही बेस है, जिसको भी कंफर्टेबल नहीं लगता है ऑप्शन में रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर कंडीशंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला था, वो भी चेक करें। तो थोड़ा सा मैंने क्विकली एक्सप्लेन किया है, अगर आपको एक बार नहीं समझा तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके सुने, दो बार सुने और इससे अपने बेसिक्स क्लियर करें। मैंने तीन चैप्टर के ऊपर आपको फोकस करने बोला है, तीन चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज सैलरी, नंबर सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड इज बिजनेस प्रोफेशन। उसके साथ आप अदर सोर्सेस को ध्यान से पढ़ना। दैट्स इट, दिस वाज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।